हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट थ्री के एग्जामिनेशन जो 2021 के हो रहे हैं, जिस आपके सामने पेपर है फिजिक्स का पेपर थर्ड, कोड नंबर है 3077, जिसका नाम है स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इसके बारे में पढ़ना है, टाइम्स दिया हुआ आपको 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपके 50। तो ये जो आपको टाइम 3 घंटे का दिख रहा है, इट इज़ ड्यू टू ये पेपर आपका बन चुका था ऑलरेडी मार्च में, क्योंकि अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन थे, बट ड्यू टू कोविड-19 नहीं हो पाया एग्जाम, तो वही पेपर अभी करवाया जा रहा है, इसलिए 3 घंटे लिखा हुआ। अदरवाइज आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है, तो आपको 1.5 घंटे में ही पढ़ना है। डेढ़ घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आपके पास कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आपको एक बार मैं इस पेपर की झलक दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपके पेपर्स आखिरकार पूछे जाते हैं। तो आपके देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो नोट्स हैं वो क्या नोट्स हैं आपके, कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए से और सेक्शन बी से, दोनों से 2-2 क्वेश्चन आपको करने हैं, एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यानी कि जो भी सिम्बल्स आपको इसमें दिए गए हैं उनके पास अपना खुद का एक मीनिंग है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये जो नोट्स दिया हुआ है दोस्त, ये तो आपके 3 घंटे के लिए दिया गया है। अब 1.5 घंटे का आपका पेपर हो रहा है, तो उसमें चेंजेस क्या आए हुए हैं? तो चेंज तो ये आया दोस्त कि पहला नंबर तो कंपलसरी था, तो कंपलसरी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। एंड आपका जो सेक्शन बी है एंड सेक्शन ए है, जिनसे 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे के लिए कहा था, अब आपको केवल 1-1 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 1, सेक्शन ए से 1। तो इस तरह से टोटल आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले 5 क्वेश्चन था अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट क्या है, 3 क्वेश्चन इन ऑल। ओके, यही चीज़ आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, वही चीज़ है कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे नोट्स हैं। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं। कह रहा है कि ए नंबर, इसमें डिफाइन मैजिक नंबर, जादुई अंक को परिभाषित कीजिए कि क्या होता है जादुई अंक, इसकी क्या विशेषता है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना होता है बेसिकली। इसके बाद आपका बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिकल सिंबल इन द स्टैटिक्स मैकेनिक्स, सांख्यिकी यांत्रिकी में सूक्ष्म समुदाय क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन, व्हाट इज द जो है माइक्रो एनसिकल असेंबल्स इन द स्टैटिक्स मैकेनिक्स, सांख्यिकी यांत्रिकी में सूक्ष्म समुदाय क्या होता है उसके बारे में बताना है। एंड सी आप कह रहा है आपका, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, लेजर ने एक सिद्धांत दिया हुआ था उसके बारे में डिस्कस करना है आपको 200 वर्ड्स में। एंड इसके बाद आपका डी नंबर आप कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वार्क कॉम्बिनेशन, क्वार्क संयोजन क्या है, इस पर आपको डिस्कस करना है 200 वर्ड्स में। एंड अचुंबकीय क्या होता है, इस पर आपको बताना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ए बी सी डी ई करके आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिन पांचों का भी आपको आंसर कंप्लीट करके देना है, यानी कि पांचों आपका कंपलसरी है, पांचों आपको करना ही करना है। ओके, और अगर आप नहीं करोगे छोड़ोगे तो उसके आपके नंबर कटेंगे। इसके बाद आ रहा है सेक्शन ए, जिसमें से आपको क्या करना रहता था पहले कि 2 क्वेश्चन करने रहते थे, अभी आपको क्या करना है, 1 ही क्वेश्चन करना है और आपके पास ऑप्शन है 4 क्वेश्चन का। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कि यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला कैलकुलेट, क्या कह रहा है, मोस्ट जो है इसमें आपको क्या करना है कि मैक्सवेल ने जो बोल्ट वाला चीज निकाला हुआ था ना बोल्टमान, तो उसके वेग वितरण नियम की सहायता से निकालना है इसमें आपको। तो इसमें आएगा सर्वाधिक जो है प्रभाव वाला चाल, या बी ऑप्शन है माध्य चाल, सी थर्ड है आपका वर्ग माध्य चाल, इसकी गणना करनी है। इन तीनों चीज़ों की गणना करनी है आपके मैक्सवेल्स के थ्योरी के अनुसार। अगला टॉपिक आपका जो, ये तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था, एंड सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ ही दिया, क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोक, जो नाभिकीय बल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। एंड थर्ड नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको जो करना है वो कह रहा है कि विकिरण के स्फूर्त व प्रेरक उत्सर्जन को समझाइए और आइंस्टीन के ए व बी गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, जैसे कि आपके सामने ये दिया वो A21 upon B21 = 8πhv3 upon c³। तो इस पर आपको बताना है, इसको सिद्ध करना है। एंड फिफ्थ अगर आपको आता है तो आप ये कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपको करना है। एंड फिफ्थ नंबर कह रहा है अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र की व्याख्या कीजिए, ये आपको बताना है। 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, 5, 4, 3 और 2, 4 क्वेश्चन आपके सामने, इन चारों में से कोई एक आप कर दोगे सेक्शन ए खत्म आपका। सेक्शन बी में भी आपके 4 क्वेश्चन है जिनमें से 1 क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन इसमें क्या होता है आप एक क्वेश्चन चूज करते हो तो उसमें आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन करने हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रायिकता व एंट्रोपी को समझाइए व इनके बीच की संबंध स्थापित कीजिए, और उसी में बी नंबर कह रहा है आपका अनुचुंबकीय क्या होता है, यह भी समझाइए, क्यों अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है,
ये समझाना है आपको, सिक्स का ए एंड सिक्स का बी। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं आपकी, एंड अगर आपको ये आता है सिक्स नंबर का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है सेवन्थ नंबर को लेकर के कि लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थों से किस प्रकार अलग हैं और लौह चुंबकीय पदार्थों हेतु क्यूरी वाइस का क्या नियम है उसको आपको बताना है। एंड सेवन्थ का बी कह रहा है आपका लौह चुंबकीय पदार्थों के बी एच वक्र की सहायता से धारणशीलता निगृहिता व शैथिल्य हानि को समझाइए कि वो चीज़ें क्या होती हैं। एंड एट नंबर आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या कह रहा है एट नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है कि एक लेजर के सिद्धांत जो है उत्पन्न व्यवस्था सी, एक्चुअली इसको थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन एपरेटस अरेंजमेंट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रूबी लेजर एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई लेजर एक्शन इज नॉट पॉसिबल इन टू एनर्जी स्टेट्स। तो ये आपको करना है, या बी नंबर ऑप्शन एक्सप्लेन क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी को समझाइए। तो अगर आपको एट नंबर क्वेश्चन करना है तो ये दोनों कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, सिलोट्रोन एंड फर्नी डिकाक वितरण फलन, या तो ये दोनों अगर आपको आते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरह से चार क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में भी दिया हुआ है, इन दो चारों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने देखा कि ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बी ए थर्ड ईयर के फिजिक्स, बी एस सी थर्ड ईयर के फिजिक्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर हैं प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, इफ यू आर इन बी ए तो जाकर के जरूर विजिट कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।